पाकिस्तान की तारीख पॉलिटिकल क्राइसिस से भरी पड़ी है। पॉलिटिक्स में जब भी इलेक्शन, हुकूमत साजी या सियासी जोड़ तोड़ की बात होती है तो अंग्रेजी जुबान का एक लफ्ज हॉर्स ट्रेडिंग बहुत सुना जाता है। एक आम सिटीजन जब इस लफ्ज को सुनता है तो उसको इतनी समझ तो आ जाती है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और निजाम को लास्ट 50 ईयर्स में इतना खराब किया कि कई हुकूमतों का भी दी एंड हो गया। हॉर्स ट्रेडिंग असल में अनऑफिशियल तौर पर होने वाला ऐसा सीक्रेट एग्रीमेंट है जिससे दोनों पार्टीज फायदा उठाती हैं। हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स में हॉर्स ट्रेडिंग का ट्रेंड फर्स्ट डे से ही मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम तो देती हैं, लेकिन सभी इस अमल का हिस्सा हैं। सियासी निजाम की 50 साल तारीख में हॉर्स ट्रेडिंग और इलेक्टेबल्स ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया और इस निजाम से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। आज तक होता ही आ रहा है कि वही इलेक्टेबल्स हैं, उन्हीं पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और नेशनल इंटरेस्ट का किसी को कोई फिक्र नहीं है। पॉलिटिशियंस डिवाइड्स पीपल इनटू टूल्स एंड एनिमीज। पाकिस्तान में ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसकी लानत तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है उसी वक्त से मौजूद है। चंद पैसों के इर्द जो बंदा अपना ज़मीर बेच रहा है वो किस तरह मुल्क की मफाद में बेहतर हो सकता है। मोरालिटी की करप्शन हो, फाइनेंशियल करप्शन हो, करेक्टर की करप्शन हो, ये तो इस सिस्टम तो ये चाहता है, वो उसको सपोर्ट करता है, वो पूरा बना ही इस तरह से है कि जो ऐसा बंदा होगा उसकी वाह वाह होगी। ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मूव कर रहे हैं डिफरेंट पार्टीज में और इसके अंदर अवाम का ना इनको कोई इंटरेस्ट है और ना उनकी बेहतरी के लिए कोई काम करते हैं। पिछले 40-50 साल में दौरे हुकूमत अपने पाकिस्तान का देख लें, उसमें इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनको जहाँ पे कहीं इंटरेस्ट नज़र आता है वो उस तरफ माइल हो जाते हैं। एक इलेक्टेबल्स का किरदार था और दूसरा हॉर्स ट्रेडिंग का। इन दोनों चीज़ों ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को अलूदा कर दिया। पिछले 40-50 साल में दौरे हुकूमत अपने पाकिस्तान का देख लें, उसमें इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनको जहाँ पे कहीं इंटरेस्ट नज़र आता है वो उस तरफ माइल हो जाते हैं। कि ये सिस्टम चाहता ही यही है कि ये जो कारोबार है, ये जो मंडी लगती है, ये मंडी लगती रहे और चलती रहे, लोग ऐसे ही जानवरों की तरह बिकते रहे। यहाँ पे जब पिछले 50 साल में हम देखते हैं तो हमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, एक ये है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और दूसरा क्रेडिबिलिटी इशू। कहते हैं ना कि रेंट ए कार वाला सिस्टम होता है कि आप अगर जहाँ से कोई चीज़ें उठा उठा के जोड़ेंगे, किसी सिस्टम में अटैच करेंगे तो वो कभी नहीं चलेंगे, वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सेम यही पाकिस्तान की सियासत में भी हो रहा है, उसके निज़ाम में हो रहा है। वही गिने चुने लोग हैं, वही चंद 100 लोगों की तादाद है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान पर गलबा किया हुआ है, उन्हीं की आगे से औलादें हैं। अपने आइन के लिए, लेजिस्लेशन बनाने के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, ठीक है, और मैंने उसको वोट दिया है, मेरे साथ हज़ारों लोगों ने वोट दिया है उसको और उसको जिता दिया है, लेकिन वो वहाँ पे पार्लियामेंट में जाता है जहाँ पे उसने हमारी नुमाइंदगी करनी है, हमारे लिए बात करनी, वहाँ पर वो अपोजिशन के साथ मिलकर, चाहे उस वो मुल्क के लिए बात करें या नहीं करें, लेकिन उसने हमारे बजाय अपने आप को तरजीह दी, अपना मुफाद सोचा। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, एक से दूसरी पार्टी स्विच कर रहे हैं और आवाम इनको सिलेक्ट करके पार्लियामेंट भेजती है कानून बनाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ अपना मुफाद ही देख रहे हैं। वंस द पर्सन गेट्स इलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पार्टी, लेकिन बाद में इलेक्ट होने के बाद, असेंबली में आने के बाद, उन लोगों के साथ क्या होता है कि उनको अपनी ज़ाती मुफाद देखने होते हैं। ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी चले जाते हैं या इट्स अ पावर गेम। पाकिस्तान में पिछले 50 साल से जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है और जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए पार्लियामेंट में आते हैं और अवाम के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करता, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। वंस आई विल गेट सिलेक्टेड तो मैं करूँगा क्या? मैंने आके अपने जो बिजनेस है उसको अच्छे से और इस्टेब्लिश करना है, मैंने आके क्या करना है कि मेरे जो अपनी बरादरी है उसके लिए मैंने नौकरियाँ बांट के अपना अगला वोट सीधा करना है। एक आम आदमी क्या चाहता है आज तक? वो यही चाहता है कि उसके लिए एक अच्छा रोज़गार हो, ये मुल्क उसके लिए बेहतरी का साबित हो, उसकी आने वाली नस्ल के लिए यहाँ पे बेहतरी हो। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें स्ट्रक्चर दिया है, पॉलिटिकल निज़ाम है या शरई निज़ाम है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जब पावर्स और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इलेक्टेबल्स ने अपनी वफादारियां बेच डाली। हॉर्स ट्रेडिंग और इलेक्टेबल्स, इस खेल ने कौम को भी रूहानी, अखलाकी, इल्मी और तकनीकी हवाले से स्टंटेड बना दिया। मुल्क का मौजूदा डिफेक्टेड सिस्टम फौरी तौर पर चेंज करना नागुजीर हो चुका है। इकबाल ने जमहूरियत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया था, जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के सियासी निजाम की हालत देखकर तो ये शेर को भी कुछ ऐसा होना चाहिए।
जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान, जिसमें